उसने मेरे ऊपर अटैक किया उनकी उम्र 55 इयर्स थी उस टाइम पे। एक दिन उन्होंने अचानक से मेरा साइकिल रोका और मेरे को बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। उन्होंने तमाम कोशिशें करी, जहर भी दिया, गला दबा के मारने की कोशिश करी। टाइम आए दिन मेरे हाथ कटते थे, आए दिन मैं जलती थी। एक काम करो, जहर का सुआ लगवा दो, मर जाएगी और क्या ही कराओगे सजा करा के। वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बहू है, जिसके ऊपर अटैक हुआ है, जिसका रेप होता है, वो भी किसी घर किसी परिवार की इज्जत है। ये हादसा मेरे ऊपर 2008 में हुआ था, 3 अगस्त रात को 2:30 बजे। आपकी सौतेली माने। हाँ। मैंने उसको जब भी देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक है, ये नव भारत टाइम्स ऑनलाइन है। मेरे साथ आज मेरी दो दोस्त हैं, दो किरदार, किरदार जिनके इर्द गिर्द आप जीवन की पूरी परिभाषा बुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक जीवन में जितने भी भाव होते हैं, इनमें से शायद कोई ऐसा भाव हो जो मेरे इन दो दोस्तों से, इन दो किरदारों से अछूता हो। मेरे साथ हैं रूपा और अंशु। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नवार टाइम्स में। शीरोज हैंगआउट कैफे नोएडा में है और इसके साथ दो जगह और है, लखनऊ में और आगरा में। सभी जगह इस कैफ़े का संचालन जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं वो करते हैं। अंशु और रूपा, शीरोज हैंगआउट कैफ़े, छाव फाउंडेशन, स्टॉप एसिड अटैक, इन तीन शब्दों के बारे में, इन तीन पहल के बारे में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, ताकि इस पूरी पहल से हमारे दर्शकों का परिचय हो सके। मेरा नाम रूपा है और मैं 2013 से कैंपेन के साथ जुड़ी हुई हूँ। जब 2013 में मुझे पता चला था आलोक सर के बारे में, मेरी एक दोस्त है, वो भी एक एसिड अटैक सर्वाइवर है, तो उसने मुझे आलोक भाई के बारे में बताया, उनसे मिलवाया। तभी मुझे पता चला कि ऐसी तमाम लड़कियां हैं जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है और मैं अकेली नहीं हूँ। क्योंकि मैं पहले यही सोचती थी कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है और मैं पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मैंने कभी किसी को नहीं देखा था। बट यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि हाँ, मतलब इतनी सारी लड़कियाँ हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ और एक कैंपेन चल रहा है स्टॉप एसिड अटैक्स का। जहाँ जहाँ एसिड अटैक हुआ है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे जाके छोटे छोटे इवेंट्स हो रहे थे और जैसे जिस जगह पे एसिड अटैक हुआ है वहाँ पे जाके हमने कैंडल मार्च किया, फोटो शूट किया और लोगों को जागरूक किया। ये बात किस शहर की है? जैसे कि सबसे पहला अटैक हुआ था लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी अग्रवाल का, उस जगह पे हम लोग गए थे। और फिर एक सर्वाइवर है सपना, नंद नगरी में उसके यहाँ पे गए थे जहाँ पे उसके ऊपर अटैक हुआ था। तो ऐसे तमाम जगहें हैं जहाँ पे हम लोगों ने जाके कैंपेन किया था। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स हम लोगों ने किया, तो तभी इसका नाम रखा था स्टॉप एसिड अटैक्स कैंपेन। जी, और आलोक जी से भी परिचय करा दीजिए। हाँ, तो आलोक भाई के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता था उस समय, पहली बार मिली थी तो उन्होंने बस यही मुझे पता था कि वो एक ऐसी इन लड़कियों के लिए काम शुरू करना चाहते हैं और कुछ लड़कियाँ हैं उनको बाहर निकाल कर लाएंगे और उनको सपोर्ट करेंगे और उनको उनकी लाइफ में सेटल करेंगे, बस यही सुना था। लेकिन जब उनके साथ काम किया तो वो बहुत अच्छे इंसान है। और उनकी क्या भूमिका है पूरे स्टॉप एसिड अटैक और छाव फाउंडेशन में? शुरुआती ही उन्होंने ही किया है। अच्छा। मैन पर्सन ही आलोक। 2012-13 के आसपास, 2012 के आसपास अन्ना आंदोलन चल रहा था, उस समय वो यहाँ पे थे। दो तीन लोग थे, आलोक जी और आशीष जी और असीम त्रिवेदी, ये चार फ्रेंड, तीन चार। असीम त्रिवेदी कानपुर से? हाँ, ये सभी कानपुर से, आलोक जी भी कानपुर से बिलोंग करते हैं और असीम जी भी कानपुर से बिलोंग करते हैं और आशीष जी भी उन्नाव से बिलोंग करते हैं। कैफे आगरा में 10 दिसंबर को हमने ओपनिंग करी थी 2014 में, और तभी से जगह जगह पे हमने सिरोज होम करके एक प्रोजेक्ट शुरू किया आगरा। अच्छा। लखनऊ, जहाँ जहाँ कैफे ओपन होते चले गए, नोएडा, तो वहाँ पे तमाम लड़कियाँ अपने घर से ज़्यादा यहाँ पे सुरक्षित हैं, यहाँ पे स्टे करती हैं, उनका फुल ट्रीटमेंट होता है, उनकी पढ़ाई से लेके सब कुछ सपोर्ट किया जाता है। जी, अंशु आप बिजनौर से हैं, रूपा आप मुजफ्फरनगर से हैं। हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे, साल 2013-14 के आसपास भी, बिजनौर के आसपास भी, और उसके पहले मुजफ्फरनगर के आसपास भी। आप उस वाकये से और उस अतीत से थोड़ा हमारा परिचय करा दें, और साथ ही ये कि कहाँ आपका फैमिली बैकग्राउंड है, घर वाले अभी कहाँ हैं, आप उनसे कितना संपर्क में हैं,
इन सारी चीजों से? मैं बिजनौर की रहने वाली हूँ। बिजनौर में मेरा गांव है आबिद नगर, जहाँ मैं मेरी फैमिली के साथ में रहती हूँ। मेरी फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, मेरी सिस्टर, मैं और मेरे 3 भाई और मेरे मम्मी और पापा। आप सबसे बड़ी हैं? मैं सेकंड नंबर की हूँ। मेरी सिस्टर की शादी हो गई है और मेरा एक भाई जॉब करते हैं हरिद्वार में, मेरे 2 भाई स्टडी कर रहे हैं, मेरे पापा फार्मर हैं, मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। और अभी जो मेरे मम्मी पापा के साथ मेरा कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है। और आप जब किसी के साथ की उम्मीद करते हो ना, तो वो होता है सबसे पहले साथ पेरेंट्स का। अगर पेरेंट्स का साथ ना हो तो आपकी जो उम्मीदें हैं वो सब टूट जाती हैं, क्योंकि अगर आपके घर से ही आपका साथ नहीं मिलेगा तो आप किसी और के साथ की उम्मीद ही नहीं कर सकते। जो सोसाइटी होती है ना, ये कभी सर्वाइवर्स को आगे बढ़ने नहीं देती है। तो ऐसे में सिर्फ उनको एक ही चीज़ रह जाती है कि सुसाइड कर लेना ही बेहतर है। ऐसे में घर वाले मोटिवेट करते हैं, घर वाले आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं, घर वाले सपोर्ट करते हैं। उनके सपोर्ट की वजह से हम लोग सोसाइटी में रहने लायक बनते हैं। एक और जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, वो है एक अधेड़ व्यक्ति का जिसकी उम्र करीब 50-55 बरस है और जो इस अपराध को, जघन्य अपराध को अंजाम देता है। जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था ना, वो मेरे पड़ोस में ही रहने वाले व्यक्ति थे और उनकी उम्र 55 ईयर्स थी उस टाइम पे और मेरी उम्र 15 साल की थी। आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि जब एक लड़की सपना देखना स्टार्ट करती है, तब मेरे साथ ये हादसा हुआ था कि गांव में बहुत छोटी छोटी सोच के लोग रहते हैं और गांव में कभी लड़की को आगे बढ़ाया नहीं जाता है। एक लड़की को सपने देखने की इजाज़त तो होती है लेकिन उनको पूरा करने की इजाज़त नहीं होती है। मैं 10th क्लास की स्टूडेंट थी और मैं सोचती थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करूँगी कि मैं गाँव में और लड़कियों को भी इंस्पायर कर पाऊँगी कि हाँ, कि लड़की भी पढ़ लिख के कुछ कर सकती है, सिर्फ शादी ही करके उनको चूल्हा बर्तन ही नहीं करना है। तो ऐसे में मेरा स्कूल के आसपास, मतलब मेरे गांव के पास कोई स्कूल नहीं थे और मेरी जो, मैं 7 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल था और उसकी दूरी मैं साइकिल से तय करती थी और मैं हमेशा की तरह स्कूल से आना जाना करती थी। और एक, मतलब काफ़ी समय से वो जो बुज़ुर्ग व्यक्ति थे वो मेरा पीछा कर रहे थे लेकिन मैं उनको दादाजी बुलाती थी। कभी मेरे मन में ये ख्याल ही नहीं आया कि उनके मन में कुछ चल रहा होगा मेरे प्रति, क्योंकि दादाजी बुलाती थी और दादाजी ऐसी सोच रखते हैं, कभी सोचा नहीं था। तो एक दिन उन्होंने अचानक से मेरा साइकिल रोका और मेरे को बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो उस दिन, मतलब मेरे जो सोचने की क्षमता वो खो गई थी कि ये कौन सी उम्र का प्यार है कि मैं 15 साल की, वो 55 साल के, ये कौन सी उम्र का प्यार रखते हैं। और उनकी बीवी, वाइफ, बच्चे सब थे उनके। तो फिर मैंने उनको समझाया और एक मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन चला करता था कि अगर शायद मैंने घर पे बताया, क्योंकि घर वालों के साथ मेरा अच्छा कनेक्शन नहीं था, और कि घर पे बताया तो कहीं मेरी शादी ना कर दें, कहीं मुझे घर में ना कैद कर लें, कहीं मुझे घर से बाहर ना कर दें। तो इस तरीके से, मतलब मेरे दिमाग में ये सब क्वेश्चन चला करते थे और इसी की वजह से मैं घर में कभी ये बात शेयर ही नहीं कर पाई। उसके बाद उनकी जो हरकतें वो बढ़ती चली गई, तो उनकी हरकतों से परेशान होकर मैंने अपने आप को घर में कैद कर लिया। और कभी ऐसा होता था कि मैं स्कूल से कभी एब्सेंट नहीं होती थी, फिर मैं हफ्तों एब्सेंट रहने लगी। घर वालों ने मेरी जो नॉर्मल एक्टिविटी है उन पर ध्यान दिया कि मेरी सारी नॉर्मल एक्टिविटी तो सब चेंज हो गई है, मेरा व्यवहार जो है वो अजीब सा हो गया ना, मैं खाती थी ना, मैं स्कूल जाना छूट गया, तो मैं कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, तो मैं डरी सहमी रहती थी। तो मम्मी पापा ने जब व्यवहार में नोटिस किया तो मम्मी ने काफ़ी दिन तक मुझसे पूछा लेकिन मैं डर के कारण नहीं उनको खुल के चीज़ें बता पाती थी। फिर उन्होंने मुझे ये भरोसा दिलाया कि अगर मेरे साथ कुछ भी हादसा हुआ है तो मैं उनको खुल के बता सकती हूँ। तो फिर मैंने उनको डरते डरते ये सब चीज़ें बताई, फिर मम्मी ने मुझे गले से लगाया और उसके बाद मेरे मम्मी ने मेरे पापा से ये बात शेयर की। तो मेरे पापा का बहुत ज़्यादा गुस्से में रिएक्शन था कि कोई मेरी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो मेरे मम्मी पापा उनके घर गए, मेरे भाई ने उनको समझाया कि आप गुस्से में बात करोगे कोई नहीं समझेगा, प्यार से जाके बात करिए, समझ भी आएगा और वो समझाएंगे भी उनको। लेकिन होता है ना कि हमारी सोसाइटी में अपनी गलती तो हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे घर वालों के साथ झगड़ा किया, गाँव में पता चला, गाँव वालों ने मतलब उनको धमकी दी कि आपको शर्म नहीं आती इतनी छोटी लड़की के साथ इस तरीके से बर्ताव करते हुए, आप सुधर जाइए नहीं तो आपके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। तो उनके ईगो को ये बात हर्ट हो गई कि ये मेरे गांव में बदनामी कैसे करा सकती है, उन्होंने फिर मेरे ऊपर सोते हुए तेजाब डाल दिया। ये 2014 की बात है जी, 12 फरवरी 2014 की बात है। जब मैं 2.5 साल की थी और एक मेरा भाई है, वो 1 या 1.25 महीने का था, तब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी और फिर पापा ने दूसरी शादी कर ली थी।
तो जो मेरी जो स्टेप मदर थी सोतेली मम्मी, उसने कभी मतलब सपोर्ट नहीं किया, हमेशा से मतलब घृणा की नज़र से देखा। और कुछ पड़ोस में लोगों ने भी इनको भड़काया था कि ये बच्चों को, दोनों को बहुत प्यार मिलता है फैमिली से, और तुम्हारी खुद की एक बेटी है उसको कभी प्यार नहीं मिलेगा, तो ऐसा करो इनको मार दो। तो तभी से उन्होंने मन में ठान लिया कि इन दोनों बच्चों को मारना है। उन्होंने तमाम कोशिशें करी, जहर भी दिया, गला दबा के मारने की कोशिश करी। टाइम बीतता गया, दादी बाबा ने काफ़ी सपोर्ट किया। ये हादसा मेरे ऊपर 2008 में हुआ था, 3 अगस्त रात को 2:30 बजे। आपकी सौतेली माँ ने अटैक ऐसे हुआ था कि मतलब दादी बाबा दोनों एक्सपायर हो गए थे 2006 में, और मैं 8वीं पास करके मैंने 9th में एडमिशन लिया था, और गर्मियों की छुट्टी पड़ रही थी। तो उस दौरान पापा जी हमें गांव घुमाने ले गए थे। मतलब उनका यही था रीज़न कि इनको बच्चों को मैं अपने पास रखूँगा, क्योंकि जो सपोर्ट करने वाले थे वो तो चले गए, अब कौन सपोर्ट करेगा, अब तो मेरे बच्चे हैं, मैं जैसे चाहूँ रख सकता हूँ। तो उन्होंने प्यार से ले गए। भाई तो मुश्किल से एक हफ्ता भी नहीं रुका था गाँव में, वहीं मुजफ्फरनगर में गाँव है हमारा, तो वो तो कुछ दिन के बाद वापसी आ गया। मैं वहाँ पे रह गई, मेरे को उन्होंने मेरा पढ़ना बंद करा दिया, घर के कामों में लगा दिया जो कि मैंने कभी किया नहीं था। मतलब बहुत बुरा टॉर्चर उन्होंने मुझे किया था। मैंने घर में शेयर किया, सबने मेरी हालत देखी, लेकिन कहते हैं ना कि पापा और फैमिली वाले यही बोलते थे कि तुम्हारी मम्मी है, डांटती मारती उनका हक है। लेकिन मेरी हालत देखते हुए उन्होंने बोला कि ये बच्ची वापस तो आएगी नहीं, ऐसा करते इसकी शादी कर देते। उस समय मैं 13 साल की, 13-14 के आसपास की थी। तो उसके बाद उन्होंने जब शादी की सोचा कि अब इसकी शादी हो जाएगी, उनको अच्छी खासी नौकरानी मिल रही थी, अच्छा खासा काम करा मिल रहा था, खाना बनाया बनाया मिल रहा था, खेती बाड़ी का सारा काम मुझे उन्होंने सिखा दिया था कुछ ही महीनों में, जो मुझे नहीं आता था। आए दिन मेरे हाथ कटते थे, आए दिन मैं जलती थी, क्योंकि मैं फरीदाबाद में स्कूल और घर पर थोड़ा बहुत काम करती थी बस, इससे ज़्यादा नहीं। और वहाँ पर उन्होंने सब काम कराया। मैंने पापा से कई बार डिस्कस कराया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है, मुझे मारती है, मुझे पीटती है, कांटे की डंडी से मुझे मारती है, मुझे खाना नहीं देती, मैं भूखी सो जाती है, मुझे 4 बजे सुबह उठा देती है, और मैं नहीं होती तो मेरी चारपाई पलट देती है, इस तरीके से उनका व्यवहार था। तो उन्होंने मुझे ही चुप कराया। तब उनको पता चला अब इसकी शादी तय हो जाएगी, चली जाएगी। तो 2008 में जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था, उसके 2 दिन बाद ही लड़का देखने जा रहे थे। मंडे को लड़का देखने जाते हैं, शनिवार की रात को उन्होंने सोते समय दिखाया। आप लोग को कितनी चैलेंजेस फेस करने पड़े जब आप पे अटैक हुआ? उसके कितने समय बाद आपको इलाज मिल पाया? क्या तुरंत मिल पाया? क्या उसमें 12-15-20 घंटे लग गए? जब मेरे ऊपर ये अटैक हुआ था ना, तो मुझे नहीं पता था कि हमारी सोसाइटी में तेजाब जैसी घटना होती है, या लड़कियों पे गुस्से में तेजाब भी फेंक दिए जाते हैं। जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, तभी मुझे पता चला कि हाँ होते हैं ये केसेस भी। और मेरे मम्मी पापा अनएजुकेटेड हैं, मेरे गांव के पास कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई पुलिस स्टेशन नहीं, कोई स्कूल नहीं, ओनली मतलब मेरा गांव ही था। गांव से मेरा जो हॉस्पिटल था वो 2.5 घंटे की दूरी पे था, और रात में सोते में उस पर तेजाब पड़ा था। मेरे घर में कोई साधन नहीं था, साधन मांगने में ही 1.5 घंटा लग गया था। और काफ़ी मतलब मेरे मम्मी पापा को नहीं पता था कौन से हॉस्पिटल में लेके जाना है, क्या करना है। पड़ोस वालों से साधन मांगा, और जब रास्ते में जा रहे थे तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। मेरी आंखें पूरी बाहर आ गई थी, मेरी पूरी स्किन मेल्ट हो गई थी, और पूरी जो स्किन पूरी ब्लैक हो गई थी, एकदम चॉकलेटी, जैसे चॉकलेट मेल्ट होती है इस तरीके से। फिर उसके बाद मम्मी पापा को लगा कि शायद ये सर्वाइव नहीं करेगी, तो मुझे पहले पुलिस स्टेशन लेके गए। सुबह के 4 बज गए थे, और रात में मतलब 12 बजे के आसपास मेरे ऊपर अटैक हुआ था। फिर उसके बाद मेरी FIR दर्ज हुई, 1.5 घंटा FIR दर्ज होने में लगा। सुबह के 6 बजे में एडमिट हुई। जिस हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराया गया, उनको नहीं पता था कि कौन से प्रकार का केमिकल इसमें यूज़ हुआ है, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। सिर्फ उन्होंने एक क्रीम मेरे फेस पर अप्लाई की, जिससे मुझे राहत नहीं मिल रही थी, और उसके बाद उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया मुझे, और बोला, रेफर कर दिया मतलब कि आप जाइए और दूसरे हॉस्पिटल में, ये मतलब नहीं जिएगी। तो मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया, उन्होंने भी मुझे एडमिट नहीं किया, और उन्होंने मुझे मेरठ के लिए रेफ़र कर दिया। ऐसे करते करते 13 घंटे बीत चुके थे, 13 घंटे तक कोई भी इलाज नहीं मिला। मैं दर्द से तड़प रही थी, और एक एक मिनट में अपने लिए मौत मांग रही थी, क्योंकि वो दर्द सहन करना और कैसे किया मुझे नहीं पता, कहाँ से हिम्मत आई, कहाँ से दर्द सहा। लेकिन ये था कि भगवान से संपर्क हो रहा था कि हाँ किसी भी तरीके से मौत मिल जाए, क्योंकि वो जो दर्द था ना, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, आप जो सुन रहे हैं या जो भी कोई वीडियो देखे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब रोटी बनाते हुए
रोटी के भाप तक लग जाती है तो कितने दिन तक उसकी जलन रहती है। और यहाँ तो तुम पूरी उम्र के लिए हमें ये जलन दे रहे हो। उसके बाद मेरठ में जब लेके गए वहाँ पे भी उन्होंने कहा दिल्ली ले जाइए, और ऐसे में मतलब मेरे लिए सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो मम्मी पापा ने बहुत मिन्नती करके उनको बोला कि जो भी होगा हम लोग देख लेंगे, आप एडमिट तो करिए। फिर उन्होंने काफ़ी समय बाद मुझे एडमिट किया, लेकिन एडमिट तो किया लेकिन उन्होंने मुझे सही से ट्रीटमेंट नहीं दिया। उन्होंने मतलब एक एक दिन बाद मुझे देखने आते थे। आप देख सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल में कैसे ट्रीटमेंट मिलते हैं। बिल्कुल। उसकी वजह से मेरी एक लेफ्ट आई डैमेज हो गई। शायद मुझे सही पे ट्रीटमेंट मिला होता तो शायद आज मैं दोनों आँखों से देख रही होती। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था रात को 2:30 बजे, तो सेम अंशु के साथ जैसा हुआ ऐसे मेरे साथ भी हुआ था। मैं गली में ऐसी तड़प रही थी, कहते हैं ना कि एक पानी में से मछली को निकाल देते हैं, इस तरीके से मैं तड़प रही थी। सुबह के 4-5 बज गए, फिर गांव का जो प्रधान होता है उसकी गाड़ी लाई गई, उसकी गाड़ी में डाल के मुझे वहीं पास के हॉस्पिटल था, मतलब आधे घंटे की दूरी पे, तो वहाँ के हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराया गया। नॉर्मल एक नीडल्स लगाई गई, उसमें एक बोतल चढ़ी, उससे मुझे कुछ राहत नहीं मिली। मैं ऐसी तड़पती रही, बस मेरे मुँह से एक ही आवाज़ निकल रही थी, मेरे चाचा जी को बुला दो, क्योंकि हमेशा से उन्होंने ही पाला था, उनसे ज़्यादा लगाव था। तो मेरे मुँह से बस उन्हीं की आवाज़ निकली थी कि मेरे चाचा जी को बुला दो और मुझे बचा दो। और मेरे पर जब अटैक हुआ था तो मेरा चेहरा एकदम सूज गया था, मेरी आंखें बंद हो गई थी, मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, और एकदम मेरे हल्का सा मुँह के अंदर भी चला गया था, तो बेचैनी और घबराहट हो रही थी पूरी, पूरे बेड पे इधर से उधर पलट रही थी मैं। फिर उसके बाद सुबह के समय फिर मेरे चाचा जी फरीदाबाद से दिल्ली वो गाँव पहुँचे, और वहाँ से फिर मुझे दिल्ली सीधे लेकर आए। तो कम से कम शाम को रात को 2:30 बजे अटैक हुआ था, अगले दिन शाम को 6 बजे जाके कहीं मुझे ट्रीटमेंट मिला, कहीं 16-17 घंटे बाद। हाँ, 16-17 घंटे बाद मुझे इलाज मिला। और सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, किसी को कोई कह रहा काला तेल डाल दिया, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, मतलब सब ऐसे ही आपस में बातें कर रहे थे, पर किसी मतलब लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये है क्या। हाँ, मेरी फैमिली में भी मेरे बाबा लगते हैं, तो उन्होंने ऐसे कपड़ा लिया और मेरे चेहरे को ऐसे रगड़ने लगे, तो मैं चिल्लाने लगी बाबा मुझे जलन हो रही है। मैं बता दूं कि अभी दिल्ली का जो केस रहा जहां एक नाबालिग बच्ची पर एसिड अटैक किया गया, वहां जब उस पर एसिड फेंका गया तो पास में ही एक दुकानदार थे, उन्होंने तुरंत बच्ची के चेहरे पर बाल्टी बाल्टी पानी डाला, और उसका असर ये रहा, अच्छा असर रहा, कि बच्ची के चेहरे पर 8-10% बर्न हुआ। और डॉक्टरों ने बाद में बताया कि ये बर्न और भी बढ़ सकता था अगर पास के लोग तुरंत ही बच्ची के चेहरे पर उतना पानी न डालते। एक बात ये भी हम जानना चाहेंगे कि जो दोषी रहे आप दोनों लोग के ही, वो इस समय कहाँ हैं, ताकि हम इस पूरे एसिड अटैक जो जगह जगह हो रहे हैं उसके एक लीगल पक्ष को समझ सकें, कि जो दोषी होते हैं वो उनको सज़ा होती है नहीं होती है, होती है तो क्या सज़ा होती है। जो दोषी होते हैं ना उनको सज़ा होना ना होना बराबर ही होता है। मैं अपने केस में बताऊँ कि 2014 में ही मैंने FIR कराई थी और वो उसी रात को पकड़ लिए गए थे, और 2020 में मेरे केस में डिसीज़न आया था लाइफ टाइम इन जेल, और 7 साल तक वो जेल में रहे। उसके बाद अभी 2 सितंबर को उन्हें छोड़ दिया जाता है बेल पे, और मुझे कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस भी नहीं आता है कि वो किस बेसिस पर छूट। इस 10 सितंबर को उन्हें बेल पे बाहर कर दिया गया। 2 सितंबर को इसी जी। तो आपने देख लिया कि 7 साल तक अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी, उस बीच में कि क्या फेस करना पड़ा, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और मतलब मेरे छोटे भाई भाई को डराया धमका जाता था, और मतलब मेरा रास्ता रोक लिया जाता, केस वापस लो नहीं तो उसके साथ ऐसा कर देंगे, तुम्हारे भाइयों को मार देंगे तुम पर, इस तरीके से डराया धमकाया जाता था। लेकिन फिर भी किसी कीमत पे केस वापस नहीं लिया। 7 साल लगे डिसीजन आने में, और 1 साल के अंदर वो छूट गए। 1 महीने बाद FIR हो गई थी, 1.5 साल मेरा केस चला, उसके बाद जो मेरी स्टेप मदर थी वो छूट गई, क्योंकि फैमिली मैटर आ गया था और घर वाले ये नहीं चाहते थे कि घर की बात बाहर जाए। मेरे पापा ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया, उन्हीं का ही साथ दिया, घर वालों ने भी उन्हीं का ही साथ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो जेल में जाए, क्योंकि घर की बहू थी वो और मैं घर की पोती थी, तो और ऊपर से मम्मी पापा ने कभी साथ नहीं दिया, चाची चाचा ने पाल पोस के बड़ा किया, तो सब लोगों ने बोला कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, एक काम करो जहर का सुआ लगवा दो मर जाएगी, और क्या ही कराओगे सजा करा के, चुपचाप घर में सब कुछ दब जाएगा। तो ये सब बातें होने लगी, मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, और जैसे कि मैंने बताया कि हम दोनों बहन भाई को घर से बाहर निकाल दिया गया था। हम लोग यहाँ पे जहाँ मेरा केस मुजफ्फरनगर में चल रहा था, तो हम लोग सामली रेलवे स्टेशन पर जाकर सोए, और
जिस समय हम लोग रात के 7 बजे पहुंचे तो वहाँ पे गाड़ियाँ बंद हो गई थी, अंदर जाने का वाहन साधन नहीं था, तो हम लोगों को एक रात रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ा। अगले दिन जो मेरी रियल मम्मी थी उनके घर पे गए, मेरी नानी के यहाँ पे, तो एक हफ्ता वहाँ पे रुके। उसके बाद पता नहीं उनके मन में क्या आया क्या नहीं आया, मेरे चाचा का फ़ोन आया कि बेटा घर आ जाओ, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। तो वहाँ पर आने के बाद पता चलता है नॉर्मली तारीखें चल रही हैं, केस चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, अचानक से वो छूट के आ जाती, तो एक होता नहीं जैसा अंशु ने बताया कि डर, वही सेम डर मेरे अंदर था। मुझे झूठ बोल के तारीख पे ले जाया गया और वहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि कब मुझे कोर्ट ले जाएंगे और कब मैं तारीख पे जाऊँगी, लेकिन अचानक से कुछ देर बाद देखती हूँ कि जो मेरी स्टेप मदर है वो सामने से आ रही है। एक आखिरी सवाल ये कि प्रशासन और समाज से किस तरह की मदद की उम्मीद एक एसिड अटैक सर्वाइवर रखती हैं या रखते हैं? मैं प्रशासन से उम्मीद करती हूँ और बहुत अच्छी उम्मीद करती हूँ कि प्रशासन हम लोगों के लिए एक आइडियल रिहैबिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड कराए, क्योंकि आप देखते हैं कि मतलब कुछ कुछ हॉस्पिटलों में गवर्नमेंट्स ने फंड्स तो दिए हैं लेकिन वहाँ पे बेहतर ट्रीटमेंट नहीं है। और चलो अगर सर्वाइवर्स वहाँ पे ट्रीटमेंट कराती हैं तो सिर्फ ट्रीटमेंट फ्री है, उसके बाद उसके रहने का और खाने का और उसके पीने का, फिर उसके बाद उसको री चेकअप के लिए बार बार आना पड़ता है और उसके ट्रैवल एक्सपेंस, उसके लिए तो उसको खर्चा मतलब दुगना ही लगता है। तो ऐसे में जो हमारा प्रशासन है वो हमारे लोगों के लिए एक आइडियल रिहैबिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड करा सकता है। और उसके बाद तमाम ऐसे सर्वाइवर्स हैं जिन्हें बहुत बेसिक चीज़ों की नीड है, पहला तो वो मतलब अच्छे हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करा सके, क्योंकि अटैक होने के बाद सर्वाइवर्स को नहीं पता है कौन से हॉस्पिटल में जाना है। जो एकदम लोअर क्लास के लोग हैं वो कैसे ट्रीटमेंट कराएंगे, वो एक टाइम का खाना तो अपना जुटा नहीं पाते हैं, तो ऐसे में वो बेस्ट हॉस्पिटल प्रोवाइड करा सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि अटैक हो जाने के बाद एक सर्वाइवर्स पे एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसके बाद वो अपनी एजुकेशन पूरी ही नहीं कर पाती हैं। और ऐसे में सरकार ने एक पर्सन कोटा रखा है, ठीक है 15 से 20 साल की उम्र, जो 30 साल की उम्र की लड़कियां हैं वो तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन जो 50 साल की औरत पे एसिड अटैक हो रहा है वो किस साल में अपना पढ़ाई कंप्लीट करेंगे? तो ऐसे में वो कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड करा सकते हैं जहाँ पे वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करा के वो जॉब कर सकती है और अपना पालन पोषण कर सकती है। और सोसाइटी वालों से मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि और करती हूँ कि आप किसी भी सर्वाइवर्स पे अटैक होता है या किसी, सिर्फ ये एसिड की ही बात नहीं है, किसी के साथ शोषण होता है, किसी के साथ रेप होता है, तो आप उनको दोहरी नज़रों से देखना बंद करिए। जिस दिन आप दोहरी नज़रों से उनको देखना बंद करेंगे उस दिन इस समाज में ये क्राइम होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अटैकर को पता होता है कि हम अगर उसके साथ ये क्राइम करते हैं तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसको समाज खुद ही धुतकार देगा। तो ऐसे में सर्वाइवर्स के पास कोई मतलब उम्मीद नहीं बचेगी, वो खुद ही सुसाइड कर लेगी। तो ऐसे में अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है सोसाइटी अपनाने लग जाए तो जो उसका मोटिव होता है डिफ्यूज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम ये वायलेंस वहीं ख़त्म कर सकते हैं। हमें क्रिमिनल को नहीं, हमें उसको सपोर्ट करना है जिसके साथ क्राइम हुआ है। वो अटैकर्स हमेशा उसको कंधे बुलंद इसलिए होते हैं क्योंकि पूरी फैमिली उसको सपोर्ट करती है, उसके यार दोस्त उसको सपोर्ट करते हैं कि हम आपके पीछे, तू कुछ भी कर, क्यों भाई, उसको थोड़ी ना राइट मिल गया है सब कुछ करने का। जिस वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बहू है, जिसके ऊपर अटैक हुआ है, जिसका रेप होता है, वो भी किसी घर किसी परिवार की इज्जत है। तो हमें किसी ने राइट नहीं दिया किसी के साथ ये क्राइम करने का, तो क्यों करें हम? हम एक पहल कर सकते हैं ये सब रोकने के लिए और अपने आप को बदलिए, अपने परिवार में चेंज लाने की कोशिश करिए, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए, लड़के और लड़की में भेदभाव ना करें, दोनों को इक्वल परवरिश कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बात करने के लिए।